लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस पर कंट्रोल तो हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था रुक सी गई। लगातार एक महीने तक शटर डाउन रहने की वजह से कारोबारियों के सामने बेहद नाजुक स्थिति आ गई। किसानों मजदूरों की हालत और खराब हो गई। इसे देखते हुए सरकार ने शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय के द्वारा देर रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक शहरों में वैसे भी सभी दुकानें खुलेंगी जो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ना हो। यानी कि अगर आप किसी कॉलोनी, सोसाइटी या दूसरे शहरी इलाके में रहते हैं तो आपके मोहल्ले की दुकानें अब खुल जाएंगी। अब आप जरूरत का सामान पड़ोस के किराना स्टोर से बेझिझक खरीद सकते हैं। हालांकि आप दुकान जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वो सभी दुकानें खुलेंगी जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये छूट उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में नहीं आते। इसका मतलब ये है कि नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में आने वाली दुकानों, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अब भी शटर गिरे रहेंगे। यानी अगर आप नगर निगम या नगर पालिका में रहते हैं तो ये छूट आपके लिए नहीं है। सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानों पर बंदी अभी कायम रहेगी, इसलिए मॉल और वीआईपी बाजारों में शॉपिंग का इरादा अभी कुछ और दिनों तक छोड़ ही दीजिए। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे। यहां सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। ग्रामीण इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स भी आज से खुलने लगेंगे। गृह मंत्रालय ने रखी 3 शर्तें। दुकानें खोलने की इजाजत देते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण संबंधी चिंताओं का पूरा ख्याल रखा। गृह मंत्रालय के मुताबिक दुकान में पहले के मुकाबले आधा स्टाफ ही काम करेगा, दुकानों में बिना मास्क काम करने की इजाजत नहीं होगी और काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी छूट उन इलाकों में प्रभावी नहीं होगा जिसे कोरोना वायरस की वजह से हॉटस्पॉट जोन या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।